नमस्कार, उषा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल सी रवा की नमकीन, जिसके लिए हमने लिया है एक कटोरी रवा और नमक। इसको हम पहले ग्राइंडर में डाल के इसकी पिसाई कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। इसमें बस थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको मिक्सी में पीस लेंगे। इसकी हमने पिसाई कर ली। ये बिल्कुल चावल के आटे जैसा महीन हो गया है। इस बस इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलाना है, मोहन वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है। बस एक चुटकी थोड़ी सी काली मिर्च और ये थोड़ी सी क्रश करके गदोरियों से रगड़ के अजवाइन, इसका फ्लेवर इसमें अच्छा आता है। ये बिल्कुल इसमें हम तेल वगैरह नहीं डालेंगे। अब इसको हम इसका डो लगा लेंगे। डो हमें इसका पहले से बहुत सख्त नहीं लगाना, क्योंकि ये सूजी है तो ये फूल के फूलती है अच्छे से। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। फिर इसको हम ये 10 मिनट में हमारी सूजी फूल जाएगी। फिर इसका हम आटा जैसा मसल लेंगे। अब इसको हम सेट होने के लिए रख देते हैं। इधर हम कढ़ाई में तेल चढ़ा देंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अरे कभी भी चाय के साथ में और नमकीन घर का बनाया हुआ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इधर हम कढ़ाई में तेल रख देंगे। सूजी को हम खोल के चेक कर लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से आटे की तरह मसलेंगे। इसको 2 मिनट तक ऐसे अच्छे से मसल लेंगे। ये सूजी का आटा हमारा तैयार हो गया। अब इससे बेल के हम काजू शेप में नमकीन बनाएंगे। इसकी हम लोइयां काट लेते हैं। हमने 3 लोइयां बनाई। अब इसको हम एक पतली सी शीट बेल लेंगे। अब एक लोई से हम पतली सी रोटी बेल लेंगे, एक शीट बना लेंगे। ये नमकीन बनाना बहुत ही सिंपल है। ये सीट मेरी बिल के तैयार हो गई है।
इसको हम नमक पारे के भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन हम इसका काजू का शेप देंगे। बॉटल की कैप ले लेंगे, इससे हम काजू का शेप देंगे। ये देखिए, ये ऐसे हम फटाफट इसको बच्चे भी अच्छे से निकाल लेते हैं। कटा उनको दे दीजिए सीट बेल के, आराम से कट कर देंगे। कोई भी सेब अपने मन पसंद दीजिए। ये फटाफट हम काजू सेब में ऐसे ही हम सारे कट करके निकाल लेंगे। ऐसे हमने सारी सीट को कट कर लिया है। इधर हम जब तक कट करते हैं, इधर हम इनको फ्राई होने के लिए डाल देंगे कढ़ाई में। ये हमने कढ़ाई में रिफाइंड तेल पहले से ही रख दिया है। अब इसमें हम तेल हल्का गरम, इसे तेज गरम पे नहीं, अब हम डालेंगे मीडियम फ्लेम पे। धीमे धीमे से इनको हम फ्राई करेंगे कुरकुरे होने तक। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। इनको एक मिनट बाद हम पलटेंगे, तब तक हम ऐसे काजू ढक्कन की सहायता से सारे कट कर लेंगे। ये बहुत इजीली निकल आते हैं। कोई भी शेप आप देख दे सकती हैं अपने मन पसंद। इनको हम स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। इनको हम स्लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच पे तल लेंगे। इसको तलने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। अब ये पक गए हैं, इनको सेंकने में हमें 2 से 3 मिनट लगे। इनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम ये भी डाल के तल लेंगे अच्छे से। इनको हम बहुत तेज आंच पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे धीमे धीमे इनको 2 से 3 मिनट तक आराम से ऐसे पकने देंगे। अब ये भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इनको भी हम निकाल लेंगे। इनको फ्राई करने में हमको 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब इनको भी मैं से निकाल लेंगे। अब इसमें इसका हम मसाला बनाएंगे। इनको ऐसे हम गरम गरम में ही मसाले मिलाएंगे।
थोड़ा सा लाल नमक ले लेंगे, क्योंकि नमक पहले हमने उसमें भी डाला है, रवे में भी, सूजी में भी डाला है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा आधा चम्मच मसाला। हमारा बढ़ जाएगा तो हम फिर यूज में ले लेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, ये कलर के लिए हम डाल रहे हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। बस चुटकी भर थोड़ी सी डालेंगे। सारे मसालों को हम मिक्स कर देंगे। ये हमारा मसाला बनके तैयार है। अब इसको हम ऐसे गरम गरम इसमें काजुओं के डाल देंगे। इसको हम छन्नी की सहायता से डालेंगे तो ये पूरे में मिक्स हो जाएगा। ये हमारे सूजी के काजू बनके तैयार हैं नमकीन। ये चाय के साथ आप बच्चों के टिफिन में हर तरीके से खा सकते हैं। इसमें ना ज़्यादा ऑयल है, ना कुछ, मोन भी नहीं पड़ा है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही कुरकुरा बना हुआ है। अगर हमारा ये सूजी के काजू बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।